इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में फोन करके एक बार फिर पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हां, कॉल आने के बाद कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया है और पीएम को लेकर ऐसी कॉल ने तुरंत पुलिस को एक्शन में ला दिया। कॉल को ट्रेस करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं कॉल को ट्रेस करते हुए पुलिस दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके में पहुंची और आरोपी की पहचान हेमंत के रूप में हुई है, जो दिल्ली के रागरपुरा का निवासी है। शुरुआती जांच में पुलिस को ये पता चला है कि हेमंत ने नशे की हालत में फोन किया था और पुलिस ने यह भी बताया कि पीसीआर कॉल मिलने के बाद एक टीम को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भेजा गया और कॉल ट्रेस करते हुए पुलिस करोलबाग के रायगढ़पुरा में रहने वाले हेमंत कुमार तक पहुंची और 48 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार करके थाने लाया गया और लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। और पुलिस को शुरुआती जांच में ये पता चला कि शख्स 6 साल से बेरोजगार है और शराबी है और उसने शराब के नशे में फोन किया और पुलिस उसको गिरफ्तार कर ली है।